मेरठ टू मथुरा जर्नी बाय बस। तो लगभग 3:30 बजे करीब हम अपने घर से निकलते हैं मथुरा के लिए, लेकिन हमें मथुरा के लिए बस नहीं मिलती डायरेक्टली, हमें अलीगढ़ के लिए बस मिलती है पहले, जिसे हम अफोर्ड कर लेते हैं, मतलब जिसमें हम बैठ जाते हैं। उसके बाद हमें अलीगढ़ से बस चेंज करनी थी मथुरा के लिए। तो जैसे ही हम अलीगढ़ पहुँचते हैं, वहाँ से थोड़ी ही टाइम में हमें मथुरा के लिए बस मिल जाती है, जिसमें प्यारे से भजन चल रहे होते हैं। घर से मेरे हिसाब से 3:30 बजे करीब चला था मैं, और यहाँ पे 10:30 बजे एंट्री ली मैंने, और घर वालों का दिया वही काम आ रहा है। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पे चल रहे हैं। मथुरा के पुराने बस स्टैंड से कृष्ण जन्मभूमि पड़ती है लगभग 1.5 किलोमीटर, तो हम 1.5 किलोमीटर पैदल चल के श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुँचते हैं और रास्ते में एक टिक्की खाते हैं। और जैसे ही हम कृष्ण जन्मभूमि पहुँचते हैं, तो ये जो दिनेश भाई हैं, ये हमें अपने डोम में शरण देते हैं। यहाँ पे मैं ट्रांजिशन वीडियो बना रहा होता हूँ सुबह के टाइम, लेकिन वो हमारे से नहीं हो पाता। मैं आपको रात की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि मैं रात को लगभग 11:30 बजे कृष्ण जन्मभूमि पर आकर बैठा ही था, कभी दिनेश भाई, जिनका द्वारिकाधीश हॉस्टल है यहाँ पे, वे मुझे आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आपकी बहुत सस्ते में व्यवस्था कर दी जाएगी। तो मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। रात बिताने के बाद मैं सुबह ही पहुँचता हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने। यहाँ पे मैं दर्शन कर लेता हूँ कृष्ण भगवान के, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फ़ोन वगैरह या स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के कारण। तो जन्मभूमि कृष्ण प्रभु के दर्शन करने के बाद हम 20 रुपये देकर पहुँच जाते हैं वृंदावन, जहाँ का माहौल कुछ ऐसा सा हो रखा होता है। मैं वृंदावन आता हूँ तो सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल में जाके दर्शन करता हूँ, लेकिन इस बार सोचा मैं पहले बाके बिहारी जी के दर्शन कर लेता हूँ, लेकिन लंबी लाइन को देखकर मैं दोबारा से इस्कॉन टेम्पल चला जाता हूँ, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। होली महोत्सव के कारण इस 1.5 किलोमीटर की जर्नी का हमें बिल्कुल भी आभास नहीं होता, और हम श्री कृष्ण प्रभु की कर्मभूमि वृंदावन में घूम भी लेते हैं और अपने 10 रुपये भी बचा लेते हैं। वृंदावन में होली खेलने के लिए ज़रूरी होता है एक चश्मा और एक टोपी, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्यों। फिलहाल हम चलते हैं श्री कृष्ण बलराम टेम्पल, यानी कि इस्कॉन टेम्पल, जिसे आप अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हो। इसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी जो इस्कॉन संस्था है उसकी स्थापना शिला प्रभु पाद ने की थी, जो कि एक इंडियन थे। तो इसे आप अंग्रेजों का मंदिर कहना बंद करें, ये आपकी संस्कृति का प्रचार विदेशों में करता है, आप ऐसा कह सकते हो। जैसे हिंदुओं के जितने भी मंदिर होते हैं वे पॉजिटिव वाइब से, एनर्जी से काफ़ी भरे होते हैं, लेकिन जहाँ पर आप जाते हो और जैसा मानते हो आपको वैसे ही नज़र आता है। यहाँ पे मैं फुल एनर्जेटिक मोड में रहता हूँ और भक्ति भाव में जुड़ जाता हूँ श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान के दर्शन के बाद लगभग 1.5 घंटा में इसी मंदिर में एक कोने में साइड में बैठ जाता हूँ और यहाँ हो रहे कीर्तन का काफ़ी आनंद उठाता हूँ। अब यहाँ से अलविदा कहने का वक्त आ चुका भाई। इस्कॉन टेम्पल को अलविदा कहने से पहले मैं यहाँ के म्यूज़ियम भी घूमता हूँ, जहाँ पे इस्कॉन संस्था को अपना जीवन डेडिकेटेड करने वाले लोगों का वर्णन मिलता है, और श्री कृष्ण राधा माँ की प्यारी सी मूर्ति। इस्कॉन टेम्पल के म्यूज़ियम में हमें एक जीवन और मृत्यु से रिलेटेड चक्र भी देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद आप गहन विचार में पड़ जाओगे कि इस पूरे जीवन में हम क्या कर रहे हैं और क्या करने इस पृथ्वी पर आए थे। मेरा इस मंदिर से जाने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन कृष्ण प्रभु के और भी मंदिर हमें घूमने थे और एक्सप्लोर करने थे एज अ ट्रैवलर, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ श्री बाके बिहारी टेम्पल की ओर, लेकिन यहाँ आकर हमें पता लगता है कि बाके बिहारी टेम्पल दोपहर में बंद होता है, तो इस वजह से हम बाके बिहारी टेम्पल के दर्शन किए बगैर निधिवन की ओर प्रस्थान करते हैं और मिलते हैं आपको सेकेंड पार्ट में, और डिटेल बताते हैं यहाँ पर कितना खर्च आता है, कैसे आप घूम सकते हो
और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।